ईद आएगी ना मामा, सारा दे कपड़े आए, मेरे भी कपड़े। मैं क्या बेटा पाएगा कैसे कपड़े, मैं लिया देंगे किमें पाने तुसी। कट के आँदी इतों सैडा कट के कमीजा गले च बस पा दें खाली, कभी नहीं ऐसे नंगे ही लेटा रहता है। ये मुझको दुख होता है ये देख देख के ना, मेरा दिल रोता है, आंसू नहीं मेरे सूखते। मेरा ये हाल हो गया, मुझे औलाद ने कर दिया। आठ बेटियाँ हुई हैं, मेरे पास एक बेटी नहीं है, है आठों में से। थी प्लीज़ आप ऐसे दिल छोटा मत करें, अल्लाह आपको हिम्मत दे। आमीन। बाहर का नहीं पता, मामा सारे बच्चे खेलते हैं, मैं कैसे जाऊं। ये ऐसे बातें करता है मुझसे तो मैं फिर रोती हूँ। मेरा बेटा बातें कर रहा है मुझसे, फिर मैं उसके पापा को कहती हूँ, मैं कह मेरे दिल को खुश होता है। फिर लाद है टेंशन, माँ है ना टेंशन आती है। फिर इसका पापा भी रोने लग जाता है, या अल्लाह हमारा कुछ कर, या अल्लाह मेरे सिर पे से कर्जा उतर जाए। मेरे मियाँ ने कर्जा इतना देना है ना, बाल बाल उसका कर्जे में डूबा हुआ है। उन्हें कोशिश की थी कर्जा लेके 2 लाख भी मैं कारोबार अपना करूं, उसके नीचे भी हम आगे कर्जे के नीचे, कर्जे वाले हमारी बोटियां खाते हैं। कब दोगे, कैसे दोगे, हम फिर वादा कर लेते हैं। ये इसका पापा दिहाड़ी कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, कहता है मामा मैं पढ़ूंगा, मामा मैं कैसे, मेरी व्हील चेयर ले आ दो मैं पढ़ूंगा। मैं भी जैसे भाई जाता है मदरसे, मैं भी जाऊँगा मामा, मैंने भी पढ़ना है। मैं अच्छा मेरे बच्चे अल्लाह करेगा। नमाज़ें पढ़ पढ़ के दुआ करती हूँ, जब ज़्यादा ही थक जाती हूँ ना, जब अपने तकलीफ़ देखती हूँ मेरे में हिम्मत नहीं रहती, फिर मैं रोती हूँ जान नमाज पे बैठ कर भी, अल्लाह ये मेरा इम्तिहान कब ख़त्म होगा। पहले 10 साल मैंने बेटी के साथ गुजारे हैं ऐसे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान माही मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन आज हम एक ऐसे बच्चे के पास हैं जिसके हालात के बारे में जब सुनेंगे आप तो आप शायद अपने जज्बात पर काबू न रख सकेंगे। और जब मुझे उस बच्चे की हालत के बारे में पता लगा तो मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और मेरा तो आंसू निकल गए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि शायद इस बीमारी का इस दुनिया में शायद कोई इलाज नहीं। नाज़रीन इस बच्चे की हालत कब से है, कैसे हुई, हम ये जानना चाहेंगे उनकी वालदा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप बता सकेंगे कि ये आपके बेटे को क्या मसला है, क्या बीमारी है, कब से है? वो 1 साल का था, ये बिल्कुल ठीक था, खेल रहा था, ये चारपाई पे लेटा ना खेल रहा था। इसको जब से ये मसला बना हड्डियों का, पहले मेरी बेटी थी 10 साल की ऐसी, वो फोत होगी। पहले आपकी बेटी को ये मसला था, फिर ये बेटा हुआ इसको। अब इसको हम उठा भी नहीं सकते, कहीं ले जा भी नहीं सकते, तो हमारे हालात ही ऐसे हैं कुछ, हमारे हालात ही ऐसे हैं कुछ। ये बच्चा मेरा मेरे साथ बातें करता है, मामा मैं भी खेलूँगा, मामा मैं भी बाहर जाऊँगा, कैसी दुकानें होती हैं, कैसे चीज़ें मिलती हैं, कैसे मिलता है। मेरा दिल रोता है, फिर मैं खुद बीमार रहने लग गई हूँ, दिल की मरीज बन गई हूँ, मुझको खुद ये मसला है। तो इसलिए यही हमारी अपील है, कोई हमारी मदद करे, हम कुछ कर सकें इस बच्चे के लिए, इसको भी उठा सके बाहर लेके जाएं, इसको दिखाएं दुनिया ऐसी हैं ऐसी होती हैं। ये मेरे साथ बहुत बातें दुखी दुखी करता है, मैं इसको हौसला देती हूँ खुद। क्या बातें करता है आपसे, यानी कि? मैं भी बाहर जाऊँगा ना, मैं भी खेलाँगा, मैं भी पढ़ाँगा मामा, मैं भी जमा कराँगा पढ़न मामा, मैं भी तो जाऊँगा, मैं अपने नानों के घर जाऊँगा मामा, मैं तो जाऊँगा, कैसे लेके जाऊँ मैं, 2-2 साल 3-3 साल में जा नहीं। आप प्लीज़ हिम्मत मत हारें, प्लीज़ आप हिम्मत मत हारें, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो पूरा घर स्ट्रॉन्ग है। दो बेटे ठीक है, उनको देख के तसल्ली, माँ मैं भी भाई की तरह खेलूँगा, खेलूँगा मैं, खेलेगा मेरा बेटा तो ज़रूर खेलेगा। दुआ कर अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे मैं तुझे उठा सकूँ। मुझसे ना ये उठाया जाता, इसकी जो कमर की हड्डी है ये भी दुखती है, मामा मुझे भी व्हील चेयर लेके दे दो कोई ऐसी, नहीं गुंजाइश है, रोटी मुश्किल से पूरी होती है हमारी, और
सर पे छत नहीं है रहने के लिए, हम पता नहीं कैसे रह रहे, कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये ऐसे हालात हैं हमारे, हम कहीं ना जा सकते इस बच्चे की वजह से, कहीं गमी खुशी कहीं कोई भी हो जाए, मैं अपनी बहनों के घर किसी के घर, सिर्फ मैं, क्योंकि बेटा मेरा, मैं अपने बहन भाई छोड़ दिए इसके पीछे, कैसे जाऊँगा उठाकर। तो आपने इसका डॉक्टर के पास यानी कि इलाज करवाया? इतनी गुंजाइश ही नहीं है, किधर लेके जाएं, मैं खुद अपना नहीं करा सकती भी मैं इसको उठा लूँ। मुझे दिल में दर्द हो जाती है, मैं इधर डॉक्टर पे चली जाती हूँ, जुबान के नीचे एक दवाई रख लेती हूँ, गोली ठीक हो जाती हूँ, मैं खुद चार पाई पे लग जाती हूँ, अपने जोगे नहीं है अभी अपना इलाज करवा लूँ। यानी कि मेडिसिन वगैरह कोई नहीं, बस नहीं, कुछ भी नहीं है इसके लिए, ऐसे ही बस ये लेटा हुआ है, मैं इसके साथ लेटी रहती हूँ, यही सोचती रहती हूँ अल्लाह कब सुनेगा हमारी, अल्लाह कब सुनेगा कुछ। मेरे मियाँ ने कर्जा इतना देना है ना, बाल बाल उसका कर्जे में डूबा हुआ है, उन्हें कोशिश की थी कर्जा लेके 2 लाख भी मैं कारोबार अपना करूं, उसके नीचे भी हम आगे कर्जे के नीचे, कर्जे वाले हमारी बोटियां खाते हैं, कब दोगे कैसे दोगे, हम फिर वादा कर लेते हैं, ये इसका पापा दिहाड़ी कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, हमारे पास सोने के लिए चार पाइयाँ भी नहीं थी, ये भी हमें किसी ने दी है, ऐसे हम टाइम पास कर रहे हैं अपने। मुझे तो ये है अभी भी हमारी कोई हुकूमत हमारी कोई मदद करे, कोई मेरे बेटे के लिए ऐसी चीज़ कर दे, मैं उसको बाहर ले जाऊँ, मैं खुद करवाऊँ अपने बेटे का करवाऊँ, ये बैठे उठे कुछ करे, इसके दिल की भी हसरत है मैं यहाँ जाऊँ। मामा ज़ाहरी बात है जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो भी सोचता होगा कि मैं भी इनके साथ खेलूँ, वो जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो भी सोचता है कि मेरी भी एज है मैं भी स्कूल जाऊँ, कहता है मामा मैं पढ़ूंगा, मामा मैं कैसे, मेरी व्हील चेयर ले आ दो मैं पढ़ूंगा, मैं भी जैसे भाई जाता है मदरसे मैं भी जाऊंगा, मामा मैंने भी पढ़ना है, मैं कह अच्छा मेरे बच्चे अल्लाह करेगा, नमाजें पढ़ पढ़ के दुआ करती हूँ, जब ज़्यादा ही थक जाती हूँ ना, जब अपने तकलीफ देखती हूँ मेरे में हिम्मत नहीं रहती, फिर मैं रोती हूँ जा नमाज पर बैठ कर, अल्लाह मेरा इम्तिहान कब ख़त्म होगा, पहले 10 साल मैंने बेटी के साथ गुजारे हैं ऐसे, मेरी बेटी पड़ी तो क्या बेटी का भी नहीं इस साल इलाज करवा पाया? नहीं कुछ, किसी ने आपकी मदद की इधर, रिश्तेदार बाहर हमसाए, यहाँ किसी ने नज़र पड़ ही जाती है, एहसास करने वाला मिल ही जाता है इस दुनिया में, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, हम खुद ही हैं बस, जो कुछ भी है इतने जो गया है हम खुद हैं। 10 साल मेरी बेटी ऐसे लेटी रही, ऐसे ही लेटी रही खुद, उस तो वो बातें करती थी, बोलती थी साहब, बोलती थी ऐसी ही थी बिल्कुल जैसे ही बेटा है, 2 बेटे वो ठीक हैं उससे बाद, एक मेरा बड़ा बेटा है जो उससे 14 साल बाद ही मेरा छोटा बेटा हाथ लगा था, बड़ी दुआएं कर कर के फिर उससे 3-4 साल बाद ये हुआ बेटा, ये बिल्कुल ठीक था, प्यारा था, मैं क्या चलो ठीक हो जाए, साल का हुआ तो इसके साथ ये मसला बन गया, फिर तो जब ये पैदा हुआ तब ये नॉर्मल था बाकी बच्चों के, साल तक बिल्कुल ठीक था, वाकर में बैठता था, वाकर थड़ाता था, ऐसे खेलता था, बिल्कुल ठीक था, मैं कहा चलो ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं कहा बेटी ऐसी हुई थी, चलो बेटा अल्लाह ने दिया अब ये ठीक ही रहेगा, पर इसके भी 9 साल हो गए ऐसे ही लेटा हुआ, ना इसके कपड़े पहना सकते, ये पेन होती है, ये हड्डियाँ टूटी हुई हैं, ये दुखती हैं, ईद आएगी ना मामा सारा दे कपड़े आए, मेरे भी कपड़े, मैं क्या बेटा पाएगा कैसे कपड़े, मैं ले देंगे किमें पाने, तुसी कट के आँदी इतों साइडा कट के कमीजा गले च बस पा देनी हाँ खाली, कभी नहीं ऐसी नंगे ही लेटा रहता है, ये मुझको दुख होता है ये देख देख के ना, मेरा दिल रोता है, आंसू नहीं मेरे सूखते, मेरा ये हाल हो गया, मुझे औलाद ने कर दिया, 8 बेटियाँ हुई हैं मेरे पास, 1 बेटी नहीं है 8ों में से, सिर्फ 2 बेटे हैं वो जो ठीक हैं, कि ये 4 पाई पे लेटा हुआ है, पर मेरे अब्बू फोत हुए हैं, इतनी मुश्किल हम गए, इतनी मुश्किल इसको उठा के फोम का गद्दा लेके उसके ऊपर इसको लटा के नीचे गत्ता वगैरह सख्त चीज़ रख के, सफ़र में भी ऐसे चीके चिंगाड़े मारता है, सारे देखते हैं भी क्या हुआ इसको, क्या हुआ रोता है, हड्डियाँ दुखती हैं इसकी, ही नहीं जा सकती मैं इसको डॉक्टर पर भी नहीं लेके, वैसे भी बुखार हो जाए खांसी हो जाती है इसको, डॉक्टर पे नहीं ले जा सकती इसको, मैं कुछ नहीं कर सकती, खुद ही ठीक हो जाते हैं, बस यही हमारा मसला है।
ऐसे बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? यही तो आपको बता रही हूँ भी, मैं नहीं इसको संभाल सकती। जैसे ये लेटा हुआ है बस ऐसे ही ये लेटा हुआ है। ये कहीं जाना भी हो ना हमारे पे बहुत, या इसका पापा इसके पास रहता है या मैं रहती हूँ, एक जना जाता है हमारे में से। कहीं ज़्यादा मजबूरी हो से हम जा ही नहीं सकते, मैं कहीं नहीं, मैं सीढ़ियाँ नीचे नहीं उतर सकती जब तक इसके पास कोई बैठे ना। यानी कि आप इसे अकेला नहीं छोड़ती? यानी कि ये रहता ही नहीं, एक मिनट नहीं रहता ये अकेला। इसके पास एक मौजूद होगा तो फिर मैं नीचे उतरूँगी, वाशरूम जाऊँगी, वाशरूम भी नहीं है ऊपर, नीचे जाना पड़ता है, तो किसी को बिठा कर फिर जाती हूँ मैं जाना हो तो। नहीं वैसे इसके पास ही लेटे रहती हूँ ऐसे ही, गर्मी हो बिजली जाए जो मर्जी हो, इधर ही है लेटे रहना, धूम में गर्मी में लेटे रहना है। ये अब हमने, ये हमारे पास पक्खा नहीं था, ये पक्खा था जो लगा हुआ है छोटा सा, ये किश्तों पे कटवाया है, हम इसकी किश्त नहीं दे सकते। रोज़ाना आते हैं लेने के लिए, ये भी किसी को कह के ना हमने पक्खा इस बच्चे के लिए निकलवाना पड़ा है, क्योंकि हम तो फिर फुर के इधर उधर गर्मी गुजार लेते हैं, इस बच्चे ने लेटा रहना है, इसको कहाँ जाए। बड़े मेहनत कार कुर के किसी की जमानत लेके फिर ये हमने पक्खा लिया इस बच्चे के लिए, भी ये बच्चा लेटा रहता है गर्मी में। मामा गर्मी लग रही है, मामा पानी सट गिला कपड़ा करके दे उत्ते, इस तरह मैं दिन करती रहनी हूँ, दिन रात दिहाड़ियाँ लगाते हैं अब बेटे दोनों करते हैं, फिर भी घर का आटा ही मुश्किल से पूरा होता है करते। यही 700 दिहाड़ी मिल गई, 500 मिल गई, ऐसे करके करता है। इसलिए हम ना कोई किश्त दे सकते ना, सबसे बड़ी बात ये छाती नहीं है हमारे सिर पे रहने के लिए। ये भी अब हमने पता नहीं पैसे पूसे किसी से पकड़ पकड़ के छात थोड़ी सी नहीं, ऐसे ही बगैर छाते ही हम बैठे थे इधर, अपने बच्चे को लेके जिधर धूप आवे उधर से मंजी खींच के इधर कर दी इधर कर दी, ऐसे हम बैठे थे वहाँ पे। किराया हम फोल्ड नहीं कर सकते भी, कहाँ से लें हम किराए, मकान किराए पे लें तो नहीं लिया जाता हमारे पास। जहाँ बैठे एक घर नहीं है बल्कि एक कमरे के ऊपर जैसे छत लगाई होती है, यानी कि लोहे के एंगल हैं, फाइबर वाली ऊपर से प्लेट्स हैं, ऐसे बस कवर किया हुआ है। नाज़रीन देखें कैसे गुजारा कर रहे हैं इन ये लोग, और ऊपर से जब बारिश होती है कैसे ये लोग बारिश में खुद को सेफ करते हैं। धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो प्रॉपर घर में अपने लोग बैठे होते हैं उनसे गुजारा नहीं होता, तो ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। लास्ट में जाते जाते आप कोई अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही अपील है हमारी कोई मदद करे, हमारे सर पे कर्जा भी बहुत है, हमारे सर पे छत भी नहीं है, मेरे बेटे की भी हालत भी ये है देख लो, मैं खुद भी बीमार हूँ, तो बस यही हुकूमत से अपील है हमारी कोई मदद करे, बस हमारे रहने के लिए हमारे सर पे छत दे, मैं अपने बच्चों को लेके जहाँ बैठ जाऊँ सुकून से, हमारे सर पे कोई कर्जा ना हो, कोई दरवाजे पे आए ना भी कर्जा दे, हमारे दरवाज़ा खड़काते हैं लोग आके, हमें भी हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, वादा कर लेते हैं 10 को देना 15 को देना है, फिर अब क्या करें, लड़न को आते हैं, देना जो है जिसका देना है तो देना है। बार बार पे लड़ते होंगे? बार बार लड़ते हैं, अभी तुम्हारे आने से पहले भी आए थे, हमारे खुद ही मिलती हूँ इतने बोलते हैं, फिर उनकी मिन्नतें तरले करके फिर आगे तारीख बता लेते हैं, तो हमारे पास नहीं दी जाती। सबसे ज़्यादा ये हमारा कर्जा उतर जाए हमारे सर पे से, रहने के लिए कोई हमें छत मिल जाए भी, हम कोई चलो हमें किराए भी कोई मकान मिल जाए भी, हमें इजी हो जाए ऐसे भी किराए ही दे सके हम, कह दो मैं अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊँ बस। मुझे हरी हुकूमत से यही अपील है मेरे बच्चों के लिए कुछ करे, ख़ास तौर इस मेरे बेटे के लिए कुछ करे, मैं इस अपने बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकती, मेरे बच्चे की खुशी अधूरी है, मैं इसको दुनिया नहीं दिखा सकती। प्लीज़ आप ऐसे दिल छोटा मत करें, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आमीन। बाहर का नहीं पता, मामा सारे बच्चे खेलते हैं, मैं कैसे जाऊँ, ये ऐसे बातें करता है मुझसे तो मैं फिर रोती हूँ। मेरा बेटा बातें कर रहा है मुझसे, फिर मैं उसके पापा को कहती हूँ, मैं कह मेरे दिल को खुश होता है, फिर लादा टेंशन माँ है ना टेंशन आती है, फिर इसका पापा भी रोने लग जाता है, या अल्लाह हमारा कुछ कर, या अल्लाह मेरे सिर पे से कर्जा उतर जाए, अल्लाह हमारे पे से कोई मांगने ना आए, किसी का देना ना हो हमें,
दवाई नहीं ले सकती, ड्रिपें नहीं लगवा सकती, कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवा सकती, इतनी पेन होती है ये दिल में, ये पूरे बाजू में, काम नहीं होता मुझसे। नाज़रीन, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और जो मुखय्यर हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके वो इस बहन की मदद करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।